अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्यून रिव्यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्दर टाइम वेस्ट किए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, अपनी फीडबैक्स जो मोबाइल की हैं वो मेरी वीडियो पर देख सकें और आप इजी से फैसला कर सकें, डिसीजन ले सकें हमने कौन सा मोबाइल लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें, फर्दर टाइम वेस्ट किए। आज जो हमारे पास मोबाइल है वो है हमारे पास सैमसंग एक्स गलेक्सी X10, जिसका आज हमने रिव्यू करना है। अगर हम इसकी रिलीज डेट की बात करें तो 2019 में 8 मार्च को यहाँ पे रिलीज थी। 157 इसका जो वेट है 7.8 थिकनेस के साथ, और हमारी रेंज इस तरह की है। अगर इसकी हम बात करें इसके लुक की तो बहुत प्यारा लुक है इसका। कैमरे की बात करें तो इन्होंने सेंटर में दिए हुए कैमरे बहुत ज़बरदस्त, तो सैमसंग जितना ये यहाँ पे करके उन्होंने हमारे पास दिए हुए कैमरे जो इसकी लुक को बहुत ज़्यादा खास बनाते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इनका कॉर्नर में है, 6.5 इंचज़ के साथ है, 1440x3040 पिक्सल के साथ है, 16 मेगापिक्सल इसका जो कैमरा है वो 2K के साथ है, 6 to 8 GB रैम में मिल जाता है, और यहाँ पे हमें पास स्नैप ड्रैगन देखने को नहीं मिलता, वहाँ पर यहाँ पे एग्जीनोस 9820 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 3400 mAh यानी कि 3400 mAh यहाँ पे हमें बैटरी को देखने को मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके नेटवर्क की, तो यहाँ पे नेटवर्क GSM LTE है जो कि 4G के साथ है। यहाँ पे हमें 5G देखने को नहीं मिलता। लॉन्च डेट की बात करें तो 2019 फरवरी में हमारे पास अनाउंस हुआ था, और 2019 एट में या 8 मार्च को यहाँ पे हमारे पास रिलीज हो चुका था पाकिस्तान में। सिंगल सिम के साथ है, डुअल सिम के साथ है यानी कि दोनों सिम हमें यहाँ पे मिल जाती है। IP6 है, डस्ट वाटर रेजिस्टेंट है यहाँ पे, अप टू 1.5 मीटर फॉर 30 मिनट है यानी कि तकरीबन 6 नहीं आई थिंक 4 to 5 फीट में, यानी कि अगर पानी में पड़ा भी रहे तो 30 मिनट तक यहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं वो भी। डिस्प्ले की बात करें तो डायनेमिक एमोल्ड है, HDR10+ है जो कि हमें देखने को ना वन प्लस की किसी मोबाइल में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वन प्लस के सारे मोबाइल में या फिर एमोल्ड है या फिर फुलिड एमोल्ड है इस तरह हमारे पास वहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि HDR10+ इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप इसलिए देख सकते हैं कि HDR10+ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ओएस की बात करें तो यहाँ पे 9 से लेके हमारे पास 12 तक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फन यूआई 4.1 तक यहाँ पे हमारे पास जो वन प्लस के मोबाइल है उसके अंदर हमें ऑक्सीजन 12.1 तक हमें देखने को मिलता है, अपग्रेड टू Android 12.1। अगर यहाँ पे हम इसके स्नैपड्रैगन की तो हमने पहले बात कर ली है कि इसके अंदर 855 है, स्नैपड्रैगन 7 नैनोमीटर के साथ यूएसए चाइना का जो है वो है। और इसके अलावा अगर हम मेमोरी की बात करें तो माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे हम डाल सकते हैं। अगर हम इसकी जो इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 128 3 GB के साथ मिलता है, 128 8 GB रैम के साथ मिलता है, और 512 यानी कि 512 GB हमें 8 GB रैम के साथ यहाँ पे मिल जाता है। 12 GB रैम क्या हमारे अंदर नहीं है इस वाले मोबाइल में, नहीं है, हमें मिलता है 6 to 8 और मिलता है हमें 128 to 512। यहाँ पे 256 का भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट है जो कि डिस्प्ले के अंदर है, अंडर डिस्प्ले के अंदर है, अल्ट्रासोनिक वालों का है, एक्सीलेटर मीटर वालों का है, जेरो प्रोमिसिव कंपास बारोमीटर और हार्ट रेट जो है SpO2 यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर जो टाइट। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 15 वाट का यानी कि वायर्ड चार्जर है जो इतना ज़्यादा खास नहीं है, बाकी 4.5 रिवर्स वायरलेस है, वायरलेस यानी कि हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें 3400 mAh यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ। अगर इसके अलावा एक और बात करें अगर इसके कलर की, तो इसके कलर बहुत ज़्यादा कमाल किए हैं, हमें कलर इसके अंदर ब्लू ग्रीन ब्लैक और वाइट इस तरह करके हमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ वेट की बात करें तो वेट और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी में देखने को मिल जाती है। अगर आपका बजट है 50,000 तक का तो ये आपको इजीली मिल सकता है मार्केट में, वो भी 10x10 कंडीशन के साथ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम यहाँ पे लिख देते हैं जिस चीज़ का हमने यहाँ रिव्यू किया है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए।
आज हमने किया है X10 गैलेक्सी रिव्यू। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें ताकि और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि वो चीज का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए अलग।